Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Dear students, we are going to start our 8th lecture of class 3, the science factor. Now open page number 6. Have you opened page number 6? Students, yeh hai page number 6. Kal humne padha tha ki eyes humme dekhne mein humari help kaise karti hain, ye kaise work karti hain, humme image kaise nazar aata hai, yani retina par jab humare hum koi cheez dekhte hain to uska image kaisa banta hai aur humme view uska kaisa nazar aata hai. To reading start karte hain, dekhte hain isme super scientist ne aaj humme kya bataya hai. Is diagram ke bilkul niche jo line start ho rahi hai, images are inverted on their way. Images are inverted on their way to the retina at the back of the eye. आँखों के पिछले हिस्से में तस्वीर रेटिना के रास्ते में पलट जाती है, यानी जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उसका इमेज जो है वो उलट हो जाता है, यानी वो पलट जाता है हमारी आँख में. जब वो रेटिना तक उसका व्यू जाता है तो वो हमें उल्टा नजर आता है, हमारे रेटिना को वो चीज उल्टी नजर आ रही होती है, उसका इमेज जो है वो इन्वर्टेड बन रहा होता है. बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स, जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है, इस पे देखें, ये जैसे ही हमें ट्री जो है हम इसे देख रहे हैं, अपनी आईज से इसे देख रहे हैं, और इसका जो इमेज हमें रेटिना पर नज़र आ रहा है वो इसका ओपोजिट है, यानी हमें इन्वर्टेड नज़र आ रहा है, उल्टा ट्री नज़र आ रहा है जो रेटिना पर उसका व्यू बन रहा है. फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ आ गई. नेक्स्ट लाइन देखते हैं. It is your brain, ये आपका दिमाग है, that turns the image the right way around. यानी ये आपका दिमाग है जो आपके जो इमेज है, आप जो इस चीज़ को आप देख रहे हैं, जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, उसको राइट वे में यानी सीधा करके आपको दिखाता. फिर से देखें इस लाइन को. It is your brain that turns the image the right way around. ये आपका दिमाग है जो तस्वीर को दुरुस्त रास्ते में बदल देता है, यानी आपको उसका राइट इमेज जो है वो शो करवाता है. नेक्स्ट है, आईज आर प्रोटेक्टेड बाय आईलेट्स एंड आईलैशेस. यानी आपकी जो पलकें हैं और पलकों के ऊपर वाली जो स्किन का हिस्सा है वो क्या करता है, आपकी आईज को महफूज रखता है. आपकी आईलेट्स और आपकी आईलैशेस जो हैं वो आपकी आंखों को महफूज रखती हैं. योर आईलेट्स क्लोज क्विकली If your brain senses danger to your eyes, your eyelids close quickly. आपके जो eyelids हैं, यानी आपकी जो पलकों का ऊपर वाला हिस्सा है, वो फौरन जल्दी से बंद हो जाता है. If your brain senses, अगर आपका जो दिमाग है वो महसूस कर रहा हो danger to your eyes, आपकी आँखों की तरफ या आपकी आँखों को खतरा महसूस कर रहा हो, तो क्या होता है, आपकी जो eyelids हैं, आप कि जो पलकों का ऊपर वाला हिस्सा है प्यारे बच्चों, वो फौरन से क्लोज हो जाता है, यानी बंद हो जाता है. नेक्स्ट है, आई लैशेज ट्रैप डस्ट एंड अदर टिनी पार्टिकल्स. आई लैशेज क्या करती हैं, आपकी पलकें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, यानी जो मट्टी है, मट्टी और दूसरे ज़र्रात जो होते हैं, छोटे ज़र्रात, उनको आपकी आँखों में आने से रोकते हैं. आई लैशेज ट्रैप डस्ट एंड अदर टिनी पार्टिकल्स. पलके मट्टी और दूसरे छोटे ज़र्रात को आपकी आंखों में जाने से रोकती हैं, यानी उन्हें ट्रैप कर देती हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें पर्पल बॉक्स में. डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, योर आईज आर द सेम साइज नाउ एज दे वर व्हेन यू वर बोर्न. क्या आपको पता है, आप जानते हैं कि आपकी आईज जो हैं उसका साइज, आपकी आईज का साइज आपके पैदा होने से आपके बड़े होने तक सेम रहता है, यानी वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता. एंड दे विल ऑलवेज रिमेन द सेम साइज, और वो हमेशा एक ही साइज के की रहती हैं, यानी आपकी आईज का जो साइज है वो हमेशा आपके पैदा होने से बड़े होने तक सेम रहता है, एक जैसा ही रहता है. दे डू नॉट ग्रो एट ऑल. दे डू नॉट ग्रो एट ऑल, वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करती, यानी आपकी जो आईज हैं उनका साइज आपके छोटे होने से बड़े होने तक सेम रहता है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता. आपकी आईज ग्रो नहीं करती बल्कि उनका साइज सेम रहता है. प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर. आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी. आपने इस पेज की अच्छे से रीडिंग करनी है और इसे अंडरस्टैंड करना है. इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.